दिखाई दे रही ये तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मेन रेलवे अंदर की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्र परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद की अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखे। उनका कहना है कि वो लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे हैं क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वो बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि यहां बस फंसी हुई है तो बच्चों को यहां बस से रेस्क्यू किया गया। हालांकि बस अभी खड़ी है, जिसको हटाने के लिए ट्रेन बुलाई गई है। ट्रेन की मदद से बस को पानी से निकाला जाएगा। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष कटोरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यू ड्राइवर को फ़ोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास से बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया अपने स्कूटी से, देखता हुआ आया हूँ यहाँ आके, देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, के जी क्लास तक के बच्चों की बस, ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर ले गया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता है बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए, उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। इसमें अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं, अब सारी बस 3-4 बसें आ गई हैं, स्कूल की एक दो स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ, उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? जी एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्न स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना पर हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगा कर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट चुका है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश कर लेते हैं।